कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना के बताया है, और इसी से रिलेटेड अब एक और बुरी खबर सामने आ रही है। पता चला है कि इस नए वेरिएंट के चलते एक आदमी का मौत हो चुका है, यानी सबसे पहला मौत दर्ज हो चुका है। वो आदमी ब्रिटेन का रहने वाला है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला है। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मीडिया को बताया है कि वे लोग ओमिक्रॉन वायरस से लड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि एक आदमी का मौत का खबर आ गया। ये केवल उनके लिए बुरी खबर नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी बुरी खबर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, आप बस वीडियो में बने रहिए। आप ये जानिए कि बोरिस जॉनसन का कहना है कि लोगों को बूस्टर डोज लेना चाहिए, जो कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज है वो लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों का मौत हो जाएगा इस कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते। यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, कोरोना वायरस के बाकी के वेरिएंट के मुकाबले बहुत जल्दी से फैलता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर कोविड-19 के लिए बूस्टर डोज मिलना चालू हो गया है उन सभी लोगों के लिए जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है। पर इंडिया में अभी तक बूस्टर डोज के बारे में विचार ही चल रहा है, जबकि इंडिया में 5 से लेकर 7 केस पकड़ा जा चुका है ओमिक्रॉन वायरस का। भारत कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए बचा हुआ है इस नए वेरिएंट से, पर कब तक बचा रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखते ही देखते यूनाइटेड किंगडम के अंदर 3,000 लोग ओमिक्रॉन वायरस के चपेटे में आ गए हैं, और इतना मामला वहां दर्ज हो चुका है, जो कि एक बहुत ही चिंता का बात है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि भारत में भी बूस्टर डोज मिलना चाहिए, हाँ या फिर नहीं। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।